आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप से बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर सारा डाटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया हुआ है और आप सीधा अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाओगे तो सारा डाटा व्हाट्सएप से आ जाएगा। चलिएगा अपने व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन कर लेते हैं, एग्रीड कंटिन्यू कर देते हैं। मेरे को इसी नंबर से अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो मेरे पहले वाले नंबर था व्हाट्सएप पे, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, नंबर पे क्लिक करके कंटिन्यू, और यहाँ से क्या करता हूँ अलो कर देता हूँ। और अलो करने के बाद यहाँ से जो बोल रहा है कि वेरीफाई कोड डाल देते हैं हम, यहाँ पर कोड डाल के, तो मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं अपना कोड डाल देता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन का, वेरीफाई कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ से अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से हम फिर से एक बार रेट्री कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायरेक्टरी पर दो तीन बार क्लिक करोगे, दो तीन बार क्लिक करने के बाद आपको ऐसे फिर रीस्टोर फ्रॉम बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे अब आपके सामने देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आ रहा है कि जो मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पे जो मेरा बैकअप हुआ है, ठीक है ना, ये टाइम भी दिखा रहा है 29 मिनट्स आगो का, और यहाँ पे आपके सामने दिखता है स्किप का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है रिस्टोर का। आपको स्किप करना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप यहाँ से रिस्टोर की बजाय स्किप कर दोगे तो आप अपना व्हाट्सअप का जो बैकअप है यहाँ पे नहीं ले पाओगे। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैंने रिस्टोर कर दिया है, और यहाँ पे जो मेरा 34 MB का डाटा है वो यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है। तो रिस्टोर करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके लिए अपने व्हाट्सअप के अंदर बैकअप ऑन रखना ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटी सी पिक, जैसे मैंने मेरे जो व्हाट्सएप के अंदर मैंने बैकअप किया हुआ था, वहाँ पे इतना जो डाटा यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। और अगर मान लीजिएगा आप अपना व्हाट्सएप का बैकअप जो अगर नेवर करते हो, तो आपका व्हाट्सएप का जो बैकअप है कभी भी नहीं हो पाता, कि आप चाहे कितनी चैट्स रहो तो वो डाटा आपके पास बिना बैकअप के नहीं आ पाएगा, और यहाँ पर भी बैकअप के बाद नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हम एक बार इसको नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं और रिस्टोर नाउ कर देते हैं, और यहाँ पर अब अपना जो अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद कर देते हैं इसको स्टार्ट, और यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर आ गए, इसको यहाँ से बैक करते हैं, वेरिफिकेशन फिर से आ रहा है। जैसे हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करने के बाद आप देख सकते हो जो रिस्टोरिंग मेरे पास जो मीडिया चैट्स हैं वो भी आने ऑटोमेटिक, यहाँ पे मेरी जो पहले की जो चैट्स हुई थी वो आप यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मीडिया है वो भी आ गया है, और यहाँ पे जो मेरे ग्रुप्स हैं वो भी आ गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें।